नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पांधुर्ना आदिवासी गोंडी धर्म के 1200 भक्तों का जत्था हुआ रवाना। कोयनी कछारगढ़ तपोभूमि दर्शन के लिए आदिवासी गोंडी धर्म के 1200 भक्तों का जत्था हुआ रवाना। पांधुर्ना में आदिवासी जातियों के गोंडी धर्म के आराध्य देवता देवाधिदेव देव शंभु शेख पारी कुपोर लिंगो दाई काली कनकाली के तपोभूमि स्थल कछारगढ़ जिला गोंदिया महा में आदिकाल से सनातन जत्रा यात्रा का सदियों से आयोजन होते आ रहा है। शंभु शेख पारी कुपोर लिंगो तथा दाई काली कनकाली की तपोभूमि के दर्शन हेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र तथा भारत देश के सभी प्रदेश से लाखों भक्त रेलगाड़ी से यात्रा जत्रा में शामिल होते हैं। यह आदिवासियों की धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कछारगढ़ को जाना जाता है। इसमें संपूर्ण भारत देश के आदिवासी समुदाय के लोग धार्मिक श्रद्धालु पवित्र तपोभूमि के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज पांधुर्ना रेलवे स्टेशन से 1200 से 1500 लोगों का जत्था पवित्र तपोभूमि के दर्शन के लिए रवाना हुआ। आदिवासी समुदाय के लोगों ने भारत की सांस्कृतिक धार्मिक एकता के लिए सामूहिक प्रार्थना की और सभी लोगों से इस सम्मेलन में आकर सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। संवाददाता नीलेश वर्ती की रिपोर्ट। हाँ, ये जो आप लोग जा रहे हैं यात्रा में, ये कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग आज हमारी सग्गा समाज के लोग हमारा पावन भूमि पे कोयली कछारगढ़ में हमारा जत्रा लगता है। हाँ। और जत्रे के उपलक्ष में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम लोग कछारगढ़ जत्रा के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज हमारे पूरे पांडुर्ना ब्लॉक की पूरी जनता हमारी समाज की एक साथ मिलकर हम कोयली कछारगढ़ में दर्शन करने हेतु जा रहे हैं। जी जी, अब तो करीबन कितने लोग होंगे? कम से कम अभी पहली टोली हमारी सुबह 8 बजे निकल चुकी है, कम से कम 300 से 400 लोग उसमें गए। और अभी जो ये जत्रा है इसमें कम से कम 1000 से 1500 लोग जा रहे हैं। और इसके बाद में जो नाइट की छत्तीसगढ़ है उसमें कम से कम 3-4 हजार लोग यहाँ पांडुर्ना ब्लॉक से जा रहे हैं। ठीक, आपका नाम? अरुण विके। ठीक है।